हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए एमपी बोर्ड मासिक टेस्ट कक्षा 11वीं अर्थशास्त्र का फुल पेपर सॉल्यूशन। तो बने रहिए वीडियो में अंत तक। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे आपको हमारे आने वाले लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। दोस्तों, अगर आप इस पेपर की पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो गूगल पर सर्च करें upboard.live, तो वहां से आप इसकी पीडीएफ भी डाउनलोड कर पाएंगे। तो चलिए फिर से स्टार्ट कर लेते हैं आज का हमारा वीडियो, देख लेते हैं पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है बहुविकल्पीय प्रश्न, ये हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है। पहला पॉइंट दिया हुआ है हमारी आवश्यकताएँ असीमित हैं परंतु इन्हें पूरा करने वाली वस्तुओं के उत्पादन में प्रयुक्त होने वाले संसाधन एवं दुर्लभ हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा सीमित। चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर दूसरा देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा दिया हुआ है संसाधनों के प्रयोग असंभव होते हैं, उत्तर इसका हो जाएगा वैकल्पिक। चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर तीसरा देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है अपनी विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए उपभोक्ता द्वारा वस्तुओं का क्रय कहलाता, उत्तर हो जाएगा इसका उपयोग। चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है उत्पादकों द्वारा बाजार में बेचने के लिए वस्तुओं का विनिर्माण कहलाता है, इसमें आंसर हो जाएगा उत्पादन। पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है आंकड़े व्यक्ति द्वारा स्वयं एकत्र की गई सूचनाओं पर निर्भर होते हैं, इसका आंसर हो जाएगा प्राथमिक। दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है निम्नलिखित प्रश्नों में से कोई तीन प्रश्न हल कीजिए। आठ नंबर दिया हुआ है क्वेश्चन सांख्यिकी किसे कहते हैं, इसका उत्तर दिया हुआ है सांख्यिकी गणित की भाषा का है जिसमें आंकड़ों का संग्रहण प्रदर्शक वर्गीकरण और उसके गुणों का आकलन का अध्ययन किया जाता है। सांख्यिकी एक गणितीय विज्ञान है। दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है उपभोक्ता किसे कहते हैं, इसका उत्तर दिया हुआ है उपभोक्ता वे व्यक्ति हैं जो वस्तु अथवा सेवाओं को अपने अथवा अपनी ओर से अन्य के प्रयोग अथवा व्युपयोग के लिए खरीदता है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ उत्पादक कौन होते हैं, इसका आंसर दिया हुआ है उत्पादन के अंतर्गत उन सभी वस्तुओं एवं सेवाओं को सम्मिलित किया जाता है जिनके अंतर्गत न केवल उत्पाद पदार्थ सम्मिलित होते हैं बल्कि सेवा उद्योगों में व्यक्ति भी सम्मिलित होते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है अर्थशास्त्र के प्रमुख विभागों के नाम लिखिए। दोस्तों, इसके आंसर हम आपको बाद में बताते हैं, जो आंसर हमको मिले उसके आंसर हम आपको बताने वाले हैं। अगला दिया हुआ क्वेश्चन निम्नलिखित प्रश्नों में से कोई तीन प्रश्न हल कीजिए। 8 400 400 400, जी हाँ याद कर लीजिए व्हाट्सअप नंबर, क्योंकि अब चाहे आपका मैथ्स का सवाल हो या फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का, आपके हर डाउट हर क्वेश्चन का मिलेगा तुरंत वीडियो सॉल्यूशन, वो भी सीधा आपके व्हाट्सअप पर। बस अपने फ़ोन पे डाउटनेट का 8 400 400 400 व्हाट्सअप नंबर सेव कर लीजिए और चार्ट ओपन कीजिए। फिर जो भी आपका डाउट है उस सवाल की आपको बस फोटो खींचनी है, उसे क्रॉप करना है और 5 सेकेंड में आपको उसका वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा। क्लास 6 से 12 IIT JEE नीट CBSE बोर्ड और सभी स्टेट बोर्ड के बच्चों के लिए, तो देर किस बात की, अभी जाइए और 8 400 400 400 पर अपना सवाल व्हाट्सअप कीजिए और अपने सभी डाउट्स को आउट कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो ये दिया हुआ दोस्तों, इसमें से आपको किन्हीं तीन प्रश्नों के उत्तर देने से दिया हुआ है पहला दूसरा तीसरा, ये तीन प्रश्नों के उत्तर मैंने बता दिए हैं, ये 2 अष्टा में है, तो आपको सिर्फ 3 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर तीसरे में भी आपको 3 प्रश्नों के उत्तर देने हैं दोस्तों। तो ये दिया हुआ है क्वेश्चन द्वितीयक सम्मक का अर्थ लिखिए, तो ये इसका दोस्तों आंसर दिया, इसको आप नोट कर लीजिए जल्दी से अपनी कॉपी में। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया हुआ सांख्यिकी के कोई 3 कारण लिखिए, तो ये 3 कारण दिए हुए दोस्तों, इसको नोट कर लीजिए आप या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया हुआ प्रश्नावली के कोई 3 गुण लिखिए, तो इसको भी आप नोट कर लीजिए अपनी कॉपी में दोस्तों। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।